आए, चलो बाबा। अरे मैं कहाँ चलूँ, मेरे बच्चे। आ आ आ तेरे से बड़ी, उम्मीद है, तेरे से बड़ी उम्मीद है। जब बच्चे जवान हो जाए ना, जी बाबा। तो माँ बाप बूढ़े हो जाए। ये तो देख तेरा बड़ा भाई, ये तो मस्त निकल गया, मस्त है। ये तो बेचारा जब से पैदा हुआ, जब से अंगूठा ही चूस रहा, मैंने तो कभी चूसा नहीं, पता नहीं किस पे गया। जा रिजल्ट लिया, मैं सोच रहा तू पढ़ लिख के कामयाब हो जा, पायलट बनाना है मेरी तमन्ना है, तू पायलट बन जा, हवा जहाज उड़ाने लग। हवा जहाज उड़ागा तो भाई एक दो सफर हम भी काट लेंगे। मेरी ये तमन्ना है कि तू पायलट बन जा, हवा जहाज उड़ाना शुरू कर दे। भैया देख पायलट बन के देख, हवा जहाज सीधा सच्चा उड़ाइए, उल्टा सीधा हवा जहाज ना उड़ाइए। अपना रिजल्ट लिया, हम भी देखें तू कितना पढ़ लिख रहा। जा मास्टर जी के पास। मैं लेकर आ रहा बाबा, एक दिन मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। हाँ, अपने बुढ़ापे, अपने चलो मैं जा अपने रहा। अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन, जी बाबा। पायलट बन जा, कुछ हम भी सुकून के साथ मर जा भाई। जायो भाई, तेरा बड़ा भाई तो मस्त निकल गया। ठीक है जा पापा, रिजल्ट लेगा अपना। ठीक है बाबा। जी मास्टर जी। जी मास्टर जी के बच्चे जो भी काम करे बिल्कुल अंडे की तरह ही करे, अंडे खावे ज्यादा। हिंदी में अंडा जीरो, अंडे को समझा जीरो। जब घर वाले अंडे खिलावे तो मैं क्या करूं? हाँ अबे तो इंग्लिश तो तुझे अच्छी आवे है? बस तू और कुछ नहीं करता। अंग्रेजी में द पैरट मारे चोंच, ऑन द टेबल यू आर कैचिंग फिशिंग, बोतल के अंदर गाड़ी गड्ढे में गिरिंग, हिलिंग ना डुलिंग और लो पॉ पॉ करिंग। बस तुझे पॉ पॉ करना आवे, कुछ नहीं पढ़ना आवे। यो पढ़ाया तेरे माँ बाप ने है? मास्टर जी क्या कह रहे हो तुम? ये कह रहे, ये क्या कर रहे हो तुम मास्टर जी? ये है तेरा, ये है तेरा। मास्टर जी मेरी साल की अपने मेहनत थी। फादर को बुला के ला, अपने फादर को बुला के ला। इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाते हैं, तू जीरो अंडा ही लाता हर सब्जेक्ट में, कुछ तो नहीं आता तुझे। मास्टर जी तुम तो मुझे अंडा दो, और किसी को क्यों नहीं देते? अरे वो पढ़ते हैं रात दिन, एक करते हैं वो, और तू कुछ नहीं, गुल्ली डंडा में लगा रहेगा, नन्ने नन्ने छोटे छोटे बालकों में तूने हमारी बेइज्जती कर दी। लोग कहते हैं मास्टर जी कैसे पढ़ा रहे इस बच्चे को, अरे पढ़ा रहे शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं तुम्हें, बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, रात दिन सोचते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट आए, लेकिन तू फर्स्ट जीरो लाने में फर्स्ट है। मास्टर जी तुम तो ज्ञान पेलने लगो मेरे ऊपर ही, मैं ही दिखूं तुम्हें पूरी क्लास में। ज्ञान नहीं पेल रहे, आते तुम मुझे उठा दो। अब तूने कह दिया ना कि ज्ञान पेल रहे, जिस दिन ये भूत निकल जाएगा कि मास्टर जी ज्ञान पेल रहे हैं, मास्टर जी मुझे ये कहते हैं, उसी दिन पढ़ना चालू हो जाएगा। जा अब अपने फादर को बुला के ला। ठीक है लेकर आ रहा मैं। चल ठीक है। पापा जी। हाँ क्या हुआ मेरे बेटे? मास्टर जी ने मेरा रिजल्ट फाड़ दिया। रिजल्ट फाड़ दिया? हाँ। उस मास्टर की इतनी हिम्मत? और यूं कह रहे अपने पापा को लेकर। फोन दे जरा। मेरा रिजल्ट फाड़ दे, मेरी पूरे साल की मेहनत खराब कर दी, क्या होगा मेरा? अरे उसने तेरा रिजल्ट नहीं फाड़ा, उसने अपने आप को फाड़ लिया। वो जानता नहीं, अभी जानता नहीं वो, तू चुप रहे। क्या होगा मेरा, कैसे बनूंगा मैं पायलट? तू चुप रहे एक बार। हेलो। हाँ मैं, हाँ अरकान का पापा बोल रहा। जी, मेरे पैरों में कुछ दिक्कत है, आप जरा घर पर आ जाइए। जी, ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे क्यों फाड़ दिया? क्या तुमने पढ़ाई नहीं अच्छी नहीं करी थी क्या? पापा मैं तो मेहनत करूं, यूं कह रहे थे कि तू तो अंडे खा के आवे, मैंने कहा मुझे घर वाले अंडे खिलावे। तो अंडे तो खाने की चीज है, तू इसने अलग दिमाग चाट रखा।
ये और मेरा दिमाग खराब करे, मैं इसलिए भी नहीं पढ़ पाता। तुझे चिढ़ा रहा है, देख ले, मैं सोच रहा था तू पायलट बनेगा, लेकिन पायलट नहीं बस। मास्टर जी आगे, मास्टर, ए मास्टर जी, अरे अंदर चलो, अंदर चल, तो अंदर चल, अंदर जो तुम चले जाओ बाद में आ जियो, अंदर छोड़ गई है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी औलाद, मेरी औलाद। आई 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 आइए मास्टर जी, आ गए आ गए। कैसे हैं आप? पूछूंगा तो बाद में, पहले ये बताओ हाँ, तुमने हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसे फाड़ा? बैठ जाए या वैसे ही बता दें? बैठ जाओ, बिठाने के लिए तुम्हें बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही इस बच्चे का रिजल्ट फाड़ने की? चुप रहो, कैसे रही? अरे एक बात सुनो, अगर इसका रिजल्ट ना फाड़े और क्या करें? ये लड़का, क्या संस्कार दिए तुमने, वाह कमाल है, हैं? इसे तुम पायलट बनाना चाहते हो? ये पायलट बनना चाहता है? इससे तुम अगर झोटा भी चलाओ ना, उससे भी कई को मार देगा ये। देख लो पापा कैसी बात कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने मास्टर जी? अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या सवाल पूछे तुमने इससे? इससे हमने सवाल पूछे, इससे जैसे ही हमने सवाल पूछे, हमने कहा तू क्या बनेगा, इसने कहा बड़ा खुश होके एकदम सीना इना तान के, मका बहुत बढ़िया भाई लड़का, कहने लगा मैं पायलट बनूंगा। हाँ हाँ ये पायलट बनेगा या नहीं, आपने यही बताया होगा। जी जी, तो हमने इससे तुरंत कहा कि पायलट पे कोई बेटा निबंध सुनाओ। हाँ है? तो इसने सुनाना शुरू कर दिया कि एक प्लेन होता है बहुत बड़ा, उसमें दो पंखड़ियां होती है और पंखड़ियां ऐसे चलती है। अरे मास्टर जी, अरे 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 अरे, अच्छा तो ऐसे चलती है, उसमें बहुत सवारी आती है और वो ऐसे उड़ता, हाँ हाँ हाँ, और बस उड़ता ही चला जाता है। हाँ यूं उड़ता है और उड़ता है और उड़ता है। अरे कहां तक उड़ाओगे? नीचे रहने दो, ज्यादा ऊपर ना जाओ। अरे तो भाई साहब, जब उड़ता उड़ता इसने कहा, कहने लगा जब प्लेन खराब हो जाता है, आदमी फिर घोड़े पे आ जाता है, घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, हाँ हाँ चने खाता है, हाँ हाँ हाँ, आदमी को घोड़े की जरूरत पड़ती है, हाँ, और फिर वो टक 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 ऐसे चलता है। अरे तो कुछ दूसरा सवाल पूछ लेते। तो इसका मतलब भाई साहब आपने सोचा कि हमने कोई दूसरा सवाल इससे किया ही नहीं, यही सोच रहे हो ना आप? हाँ हमने तुरंत दूसरा किया। अच्छा हाँ, तो इससे जब ट्रेन के विषय में हमने निबंध पूछा तो ये फिर हो, ट्रेन में बहुत बड़ी। अरे मुझे क्यों मार रहे? अरे भाई साहब यार, तुम भी बीच में आ जा, इसने ऐसे ही तो सुना। तो ट्रेन ऐसो कहाँ होती है? ट्रेन तो ऐसो होती है, सही, ट्रेन लंबी सी होती है, उसमें बहुत बग्गियां जुड़ी होती हैं। वो तो सब जुड़ी रहे, आदमी बहुत सारे आते हैं, सही कहा, सही लिखा है ने। और वो दाएं 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 चल रही होती है उसमें भी, ये भी सही लिखा, दाएं 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 चुक 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 चुक, हाँ बिल्कुल चुक 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 चुक, वो भी सही लिखा। फिर भाई साहब जानते हो, जब कोहरा आ जाता है, ट्रेन गायब सी हो जाती है, नजर नहीं आती, हाँ। फिर इसने तुरंत कह दिया, आदमी को घोड़े की जरूरत होती है, घोड़ा ताकतवर होता है, चने खाता है, और फिर घोड़े पे पहुंच जाता है। अरे तो अगर जो इसने हवाजहाज का निबंध अच्छा नहीं सुनाया, ट्रेन का निबंध अच्छा नहीं सुनाया, कुछ और निबंध पूछ लेते। अरे भाई साहब सारे संस्कार आपके इसमें, मैंने एक सवाल और किया, एक निबंध और पूछा, जानते हो? अच्छा हाँ, क्या? मैंने कहा जापान की लग्जरी गाड़ी के विषय में ही बता। हाँ 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 हाँ, वो तो इन्हें सही बताई होगी। अरे कमाल सब कमाल कर दिया, सारे आपके जितने भी संस्कार थे उसमें, कहने लगा लग्जरी में गर्मी में भी पसीना नहीं आता, हाँ हाँ, ठंड में रिजाई की जरूरत नहीं पड़ती,
और बरसात में पानी तो एक बूंद नहीं जाता। कार में? कार में। इसने कहा? इसने कहा। आए हाय, और चलती है कम से कम 250-300 की स्पीड, पता भी नहीं चलता भाई साहब। भाई साहब पता नहीं इसने। और फिर कहा जब गाड़ी खराब हो जाती है आदमी को घोड़े की फिर जरूरत पड़ती है। घोड़ा बड़ा ताकतवर होता है। घोड़ा 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 घोड़ा, यही तो हम कह रहे। इसने घोड़े का ही जीवन पूछ लेते। अबे तू पढ़ेगा, तू बनेगा पायलट, और तुम पढ़ाओगे से मास्टर जी। अबे हम अपने जमाने में पढ़ते थे, हम अपने जमाने में निबंध बोलते थे, ऐसे निबंध जो हमारे मास्टर जी ने हमें निबंध दे दिया। भाई साहब आप भी जानते थे, आप भी पढ़ते थे, जरा हमें आप भी सुना दो, देख लें बाप बेटा क्या निबंध। अरे हम तो इस मोबाइल पे तुम्हें निबंध सुना देंगे, इस मोबाइल पे निबंध सुना सुना दो भाई साहब, आपका भी निबंध देखते हैं। ये एक मोबाइल है। हाँ? और इसके अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं। लोग? हाँ हाँ हाँ। और इसके अंदर तरह तरह की औरतें रहती हैं। औरतें? हाँ। अच्छा। और इसके अंदर जो है ना तरह तरह के जादू दिखाए जाते हैं इंटरनेट के जरिए। इससे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो एक चीज इंसान के काम आती है, वो है गधा। गधा बहुत ही ताकतवर जानवर है। गधे के ऊपर कितना ही बोझ लाद लो, गधा तुम्हें कभी मने नहीं करेगा। गधे के ऊपर कितना ही लोड डाल दो, गधा तुम्हें कभी मने नहीं करेगा। गधे को कितना ही मार दो, भाई साहब गधा 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 घोड़ा गधा घोड़ा में सारी परी परी वो सारी परी वो सारी परी वो।